अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं हॉटस्पॉट न्यूज़। नाज़रीन, सियासत हो रही है मुल्क में बड़ी ज़ोरदार किस्म की, सियासत दर सियासत दर सियासत, ये इसके साथ सियासत कर रहा है, वो उसके साथ सियासत कर रहा है, अपोजिशन इमरान खान के साथ सियासत कर रही है, सियासत इमरान खान अपोजिशन के साथ सियासत कर रहे हैं और अपोजिशन के अंदर अपोजिशन अपोजिशन से सियासत कर रही है। अब किसकी सियासत किसको सूट करेगी, कौन किसको नीचा दिखाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की इस वक्त एक जो है वो खेल जो है दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इसमें से सारे खेल में से एक नुक्ता मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि ये पिछले चार दिन के अंदर जो मामलात जिस तरफ बढ़े हैं वो उसमें सारे में ज़्यादा चीज़ें नज़र ऐसे आ रही हैं जैसे ये सारे का सारा खेल सजाया गया है इमरान खान को हटाने के लिए नहीं बल्कि पंजाब में तब्दीली के लिए, और बल्कि इसे और ज़रा क्लियर करके कहें कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। मुझे तो ऐसे ही लगा, बाकी आपकी ऑब्जर्वेशन किसी की और तरह हो तो मैं उस पर तो कोई कदगन नहीं लगा सकता। मैंने जिस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया मैं तो उसी तरह से उसको देखूँगा, बयान करूँगा। ये जो कहानी शुरू हुई कि मुल्क के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, उसमें अपोजिशन ने मियां नवाज शरीफ को राज़ी किया इसके हवाले से कि आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ आएं, और ये कहानी शुरू होती है जब पीडीएम बना और उस पीडीएम ने ये कहा कि जनाब पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए जाएं। अच्छा, उस इस्तीफों के मुकाबले में काउंटर थ्योरी पेश की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नहीं, हमें पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ही रहते हुए एक स्ट्रगल करनी चाहिए और हमें विद इन पार्लियामेंट एक चेंज के लिए काम करना चाहिए, और वो चेंज क्या है कि अदम एतमाद की तहरीक। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, और अदम एतमाद की तहरीक करके ज़रिए इमरान खान को हटाया जाए और पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और इस तरह से ये तहरीक इंसाफ का ये जो सेटअप है इसको चेंज किया जाए। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने वो जो इस्तीफ़ों की जो मूव थी उससे पीडीएम से निकल कर, या उसे निकाल दिया गया उसके मौक़ की वजह से, उसकी वजह से वो इस्तीफ़ों की सारी मूव जो थी वो बैठ गई, उसकी धूल बैठ गई। अब लेकिन जब वक्त गुज़रा तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी अपोजिशन को भी, पीडीएम की जमातों को भी ये अंदाज़ा हो गया कि इस्तीफ़ों से तो बिल्कुल मैदान खुला छोड़ देने वाली बात है, अब वहाँ पर भी ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ आना चाहिए। और गालबन कहीं ना कहीं कोई ऐसे उन्हें कोई कॉर्नर्स नज़र आए हुक्मरान जमात के अंदर भी कि जहाँ पर काम किया जाए तो हुकूमत की अक्सरियत को अकलियत में बदला जा सकता है। उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, ड्रामाई अंदाज से एकदम से आसिफ अली जरदारी लाहौर आए, मियाँ नवाज शरीफ का फ़ोन आया, मियाँ नवाज शरीफ के फ़ोन के बाद शहबाज शरीफ का फ़ोन आया, शहबाज शरीफ के घर जो है वो डिनर हुआ, फिर मौलाना फजल रहमान की एंट्री होती है और ये सारे का सारा जो है ये मामला चल पड़ा। उसमें तीन चीज़ें तय हुई, एक ये कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए, वज़ीर आज़म को नंबर वन ये कि वज़ीर आज़म को हटाया जाए उस, या स्पीकर को के खिलाफ लाई जाए तहरीक अदम एतमाद, चेयरमैन सेनेट जो वो भी हमारे मुखालिफ हैं हमें धांधली से हरा कर आए हैं उनके खिलाफ लाई जाए, पंजाब में लाई जाए। ये चार जगह थी जहाँ पर तहरीक अदम एतमाद आ रही थी। लेकिन ऐसा ऐसा उसमें चेंज ये आ गया कि जब ये कहा गया कि हम इत्तेहादियों को साथ लेंगे तो उसमें से एक इत्तेहादी तो आपका चेयरमैन सेनेट है, तो चेयरमैन सेनेट उस गुफ्तगू में से निकल गए और अब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोई बात नहीं है। अब रह गए पीछे वज़ीर आज़म और उनके स्पीकर कौमी असेंबली और उनके वज़ीर आला पंजाब। उसमें भी ये कहा गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों ना पहले आप पंजाब में ट्राई करें, तो पंजाब में जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, ये यहाँ पर ज़्यादा जो है हम क्लोज बैठे हुए हैं, नज़दीक है ज़्यादा और ज़्यादा थिन मेजॉरिटी है हुकूमत की और उसको आसान है गिराना। तो इसमें जब ये सारा मामला चला तो फिर इसके अंदर इत्तेहादियों को साथ लेने की बात हुई, तो फिर ये भी हुआ कि पावर शेयरिंग फार्मूला, मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में डिस्कस किया था कि आसिफ अली जरदारी का जो पावर शेयरिंग फार्मूला है
उसकी जुज़ियात क्या हैं, उसमें वो तमाम लोगों को इकदार के अंदर शरीक करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें पंजाब में वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए चीफ मिनिस्टरशिप देखते हैं, मरकज़ में वो शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि आप बने, हम आपको सपोर्ट करेंगे, दूसरी बड़ी पार्टी हैं हम आपके बाद पार्लियामेंट में, तो आप वज़ीर आज़म बन जाए लेकिन आप परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप दे दें। वो इलाही ना सिर्फ यहाँ पर, अगर हम उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप देते हैं तो वो यहाँ पर भी हुकूमत जो है वो चेंज हो जाएगी, और इसके बदले में वफाक में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए भी परवेज़ इलाही जो है और काफ़ लीग जो है वो सपोर्ट करेगी। इस तरह से जो है बाप पार्टी है, अगर उसको हम चेयरमैन सेनेट पर बरकरार रखते हैं तो वो आप बलूचिस्तान के अंदर वो आपके साथ होंगे और मरकज़ में वो सपोर्ट करेंगे, ख़ासतौर पर मरकज़ की सपोर्ट हासिल करने के लिए। फिर इसी तरह से बाकी जो अलाइज हैं उनका, लेकिन अब ऐसा ऐसा चीज़ें जो हैं वो मामला जो हैं वो जैसे कहते हैं कि निखरते आ रहे हैं और बड़ी स्मार्ट किस्म की शक्ल वो इख्तियार करते जा रहे हैं, उसमें पंजाब के अंदर चेंज जो है वो ज़ोर पकड़ गई है। अब इसमें मैं अभी एक और चीज़ जो आपके साथ जो है उसका शेयर करूंगा, वो आप देखिएगा कि वो क्या है और ये सारी मूव क्या है, फिर हम इसको मिलाकर अगर देखें तो फिर ये नक्शा क्या बनता है। वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने पहले दिन से ये कह दिया कि हम इतिहादियों को साथ लेकर तब्दीली लाएंगे, हुकूमत के इतिहादी जो हैं उनको वो अगर हुकूमत से अलग हो जाएं तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये है कि हुकूमत अपना अक्सरियत खो बैठेगी, दूसरा ये इतिहादी जो हैं इनकी सिग्निफिकेंस है कि ये वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम रियासत के जो रियासत के साथ हैं, रियासत से मुराद ये है कि वो कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, फ़ौज के साथ हैं। तो ये है कि जो फ़ौज का जो किरदार, जिसके बारे में अपोजिशन का हमेशा से गिला होता है कि फ़ौज न्यूट्रल नहीं है, तो ये अगर अलग हो जाते हैं तो इससे उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो भी चेक हो जाएगी, ये भी बहुत एक अच्छा एक टेस्ट है। तो इसके और मैंने एक जब मौलाना फजलुर रहमान आए मियाँ शहबाज शरीफ के घर तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप किसके ज़रिए करेंगे, क्या हलीफ जमातें जो हैं उन्हें कायल करेंगे या तरीके इंसाफ में से किसी को तोड़ेंगे, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा और बड़ी संजीदगी से कहा, ऐसे उंगली करके उन्होंने कहा कि हम किसी इंडिविजुअल को नहीं कॉन्टेक्ट करेंगे, हमने ये फैसला किया है, हमारा सख्ती से ये मौकफ़ है कि हम किसी इंडिविजुअल को जो है वो टच नहीं करेंगे, और ताकि उसके ऊपर ये ना आए कि हम शायद किसी को ज़ेर असर ला रहे हैं, तो हम इत्तेहादियों से बात करेंगे, हम इत्तेहादियों को कायल करेंगे कि हमारे साथ आएँ और वही फ़र्क है और वो हम हुकूमत को चेंज कर लेंगे। इसी चीज़ को लेकर आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान अपोजिशन का जो एक अलायंस अब बन चुका है उसके अंदर जरदारी और फजलुर रहमान ये दोनों इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ। नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने एक उसके मुस्लिम लीग पीटीआई के अंदर एक जो सुरंग लगाई है वहाँ से 25-30 जो MNAs जो तैयार किए हैं उनकी मदद से वो मरकज़ में और पंजाब में भी उनके पास है, तो वो उनकी मदद से हुकूमत जो है वो उल्टा दे। लेकिन इसकी राह में पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो खड़ी हैं और वो कहती हैं कि नहीं, इत्तेहादियों के ज़रिए। अब इत्तेहादियों के ज़रिए कहने का मतलब ये है कि आप दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो ये है कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही की वज़ारत आला की राह हमवार की जा रही है, ये विद इन अपोजिशन आसिफ अली जरदारी और परवेज़ अपना फजलुर रहमान की तरफ से। दूसरी तरफ ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जो ख़ास ये पार्टीज़ हैं उनको भी अगले सेटअप में बड़े तरीके से साथ मिलाया जा रहा है ताकि एक ऐसा ब्रॉड बेस, एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की जो नुमाइंदा सियासी ग्रुप्स हैं उनको भी साथ शामिल किया जाए, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो एक उसके अंदर एक स्टेक होल्डर होना जो है वो भी एक एस्टेब्लिश हो जाएगा और वो भी उसके अंदर आ जाएंगी, तो उनकी आशीर्वाद भी पूरी मिल जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की। ये एक इसके पीछे थ्योरी है। और लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इन दिनों जो है वो आश्कार हुई है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बार फिर ये दबाव आया है कि वो पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को चेंज करें, और वो क्यों चेंज करें, वो इसलिए चेंज करें कि ये पहले से ही ये एस्टेब्लिशमेंट जो है पिछले 2 साल से लगी हुई है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, लेकिन ये इमरान खान की अपनी एक उनका मौक़िफ़ है और वो एक उसके ऊपर सख्ती से कायम है कि जिसे मैंने बना दिया है बस उसे मैं चेंज नहीं कर सकता, तो वो अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बार फिर ये दबाव है कि आप उस्मान बुज़दार को चेंज करें। उसमें जो बताया जाता है वो ये है कि
अगर उस्मान बुज़दार रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो एक चीफ मिनिस्टर तो चले हो गए, सूबे का चला रहे थे, लेकिन एक पॉपुलर और हैवी वेट पोलिटिकल फिगर नहीं है जो पंजाब के अंदर आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कर सके। ये एक दूसरी बात जो है वो कही जा रही है। अब ये एक ही वक्त में अगर पीपल्स पार्टी और JUI की तरफ से भी ये फरमाइश आती है, ये कहा जाता है कि क्यू लीग को, बिलावल भुट्टो ने कल कहा इंटरव्यू में, क्यू लीग को और इत्तेहादियों को साथ में लाया जाए और नून लीग दिल बड़ा करे, हम उन्हें ऊपर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं तो वो दिल बड़ा करे, परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्ट्री दे दे। और इस पर नून लीग की तरफ से रिएक्शन भी आया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है 8-10 सीटों वाली पार्टी के हवाले कैसे सूबा कर दे। तो ये एक इत्तेफाक से कहें या क्या कहा जाए कि ये कोई प्री प्लान्ड है, कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो इशारे, जो दरपर्दा जो सुनने में आ रही है वो ये कि यही मौका है कि एक, और वो उनका ये ख्याल है कि अगर उस फरमाइश पर अगर इमरान खान उसको पूरा करते हैं तो वो फिर ये होगा कि परवेज इलाही PTI के वोटों से चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो फिर अपोजिशन की तरफ वो फिर नहीं जाएंगे, वो फिर PTI के वोटों की तरफ। और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान ये एक कड़वा घूंट भर लेते हैं तो मुमकिन है उसका इम्पैक्ट जो है वो ऊपर आए और उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, जो एक मूव है, वो उसका जोर थोड़ा सा टूट जाए। तो ये एक हुस्न इत्तफाक कह लें या एक कोई प्लानिंग का हिस्सा कर लें कि पंजाब के अंदर जो परवेज़ इलाही हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए 2-3 अतराफ से एक बड़ी भरपूर किस्म की एक एफर्ट जो है वो लॉन्च कर दी गई है, और देखते हैं कि इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, अपोजिशन कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, अगर तो ये कामयाब हो जाते हैं तो इसमें तो इस वक्त तो फिर चौधरी बरादरान जो है वो एक डार्लिंग की हैसियत इख्तियार कर गए हैं, यानी दोनों तरफ से उन्हें ऑफ़र है चीफ मिनिस्टरशिप की, अगर उधर बन जाएँ या इधर बन जाएँ। और अगर नून लीग उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती तो फिर हमें ये बात भी मेरा ख्याल है कि भूल जानी चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो किसी, ये बेल जो है किसी मंडे चढ़ेगी, वहीं पर आसिफ जरदारी और फजल रहमान इससे एक कदम पीछे हट जाएंगे इस पूरे प्रोसेस से। और इस दौरान पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च भी मुकम्मल कर चुकी होगी और उसने जो उसका पॉलिटिकल गेन है वो भी उससे मिल गया होगा, और अल्लाह खैर सलाह सौरा खेल ख़त्म, पैसा आज़म वाली बात हो जाए। तो क्या ये इसी तरह से खेल इसी मंतकी अंजाम तक इस पर पहुंचता है या वाकई परवेज़ इलाही के सर पर पंजाब की वज़ारत आला का ताज सजता है, आने वाले दिन इसके लिए बड़े अहम हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।